अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनियों का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। दिल्ली के ऊपर अब मोदी सरकार एक बड़ा बिल लेकर आई है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। सदन के अंदर संजय सिंह लगातार पीएम मोदी को निशाने पर लेते हैं और जमकर वार करते हैं, लेकिन इस बार बारी संजय सिंह की फिर आई। संजय सिंह बोले तो नहीं, लेकिन बीजेपी सांसद अनिल जैन ने आम आदमी पार्टी समेत सदन में बैठे संजय सिंह की भी जमकर धुलाई कर दी। अब दिल्ली सरकार की बात आती है साहब, अभी दिल्ली की सरकार है। दिल्ली सरकार जब से बनी, एक बार आई, फिर एक्टिविस्ट में और आरटीआई में और तमाम तरह के धरने देने के बाद चली गई, फिर दोबारा आई। किसकी कृपा से आई, कैसे आई, कितने वायदे किए और वायदे से कैसे मुकर कर आई, ये हमारे सबके ध्यान में है। दिल्ली सरकार 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के लिए 2 साल का समय मांगा मान्यवर। 2017 को फिर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि हमको 2019 तक का समय दिया जाए। 2019 आई, तब जनवरी में शहरी विकास मंत्री ने पूछा भाई क्या है, तो 2019 में फिर उन्होंने कह दिया जिन कंपनियों को काम दिया था मैपिंग का, उनका काम ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, इस काम को ठीक करने के लिए हमें 2021 तक का समय दिया जाए, अर्थात चुनाव निकल जाएंगे ये काम नहीं करेंगे। ये काम दिल्ली सरकार ने किया है, ये काम दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार को अब सुनिए संजय जी, सुनिए आपकी बात खत्म हो गई। दिल्ली सरकार के मुखिया ने, देश की जनता जानती है मान्यवर अपने चेहरे से कितना प्रेम है उनको। प्रेम सबको होता है, लोग शीशा देखते हैं, लेकिन उनको शीशा देखने से ज्यादा रोज सुबह की अखबार देखने की इच्छा होती है। 5-5 पेज के विज्ञापन छपते हैं, ये देश के टैक्स पेयर की पैसे को ये विज्ञापन पे धुएं उड़ा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार ने काम किया है मान्यवर। अभी दिल्ली सरकार ने बसें देने का वायदा किया था। विजय जी ने जैसी बात कही कि दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार केवल नाटक करती है। दिल्ली सरकार ने देश को, दिल्ली को वायदा किया था 3,000 बस डालेंगे, 3,000 बस डालने का वायदा किया था दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए 1,000 बस कम हो गई, 100 बसों का झुंझुना दिखाया, 100 बस दिखाकर हरी झंडी दिखाई, अभी वो भी अभी समापन पर। दिल्ली सरकार ने अभी आज ये बिल से संबंधित बात है, प्लीज राम, दिल्ली की संजय जी, प्लीज राम, ये दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनी के लोग, दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनी के लोग सबसे ज्यादा बसों में चलते हैं मान्यवर। अभी आज 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 एक घोषणा की गई है कि 16 दिसंबर को 100 जगह वाईफाई लगाएंगे। पहली जगह पूरे दिल्ली में वाईफाई लगाने वाले थे, लेकिन कोई पता नहीं, चुनाव की बात करते हैं, चुनावी स्टंट की बात करते हैं, ये चुनावी स्टंट ये लोग करते हैं। और मुख्य काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हरदीप पुरी जी ने जो बिल लाकर किया है, 40 लाख लोगों के आंसू पहुंचने का काम किया है मान्यवर। आंख में आंसू आते हैं जब इस कॉलोनी में लोगों की हालत देखते हैं, ना पानी निकलते नहीं है, पानी निकलने के लिए नहीं है। अब सुन लीजिए भाई, सुनिए, आप तो रोज आंसू दिलाते हो, दिल्ली सरकार रोज आंसू दिलाती है, आपको नहीं आएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की उदय योजना के तहत, प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत 16 से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें जो माननीय मंत्री जी ने, टाइम इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, 8-9 भाई, मेरा टाइम तो अभी 2 मिनट बाकी है भाई साहब। व्हाई डू यू रिप्लाई टू हिम, 1100 नक्शे बन गए हैं, 600 प्रोसेस में है, ये जो 4 साल में नहीं कर पाए, इस सरकार ने 30 दिन के अंदर 25 तारीख तक 1600 के नक्शे तैयार हो जाएंगे मान्यवर। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले।